ये बहुत का जवाब कहती मोड़िए रे जग चल रे कहानी सुन ले मेरा बेटा जय मल मुखे नार मोड़िए तेरी जग चलेगी कहानी जालिम तेरे रे बाबल रे भूरे खान नारे गले सोचियाणी बेटा तेरे बाप ने बात सोची नहीं कैसी तेरे बाबल रे पूरे खान तेरे गले सोची रही उस नर बे प्याप बीड़े तेरे खालिए रे डू ब्या बिन पानी के बंदूक जा मुड़ के लाया रे साथ तो पारे दुरानी आने बेटे के ऊपर तो दुरानी पर चढ़ा दी हे बंदूक जा मुड़ के लाया रे साथ तो पारे दुरानी ओपन चोवा इतनी रे सुनकर तन बोलदार मेरा सुनिए शानी एक है छोरा दिलदार सुन कान बोलदा तेरी मेरी सुनिए शानी हे माता मेरी मैं तोड़ूंगा बाबल की पीठ मैं दूंगा पानी तेरे बाप ने शर्म गैरत नहीं आई आज मेरे यतीम जैमल के ऊपर बीड़े खा के चले आए सरदारों महल के नीचे खड़ा पूरे खां का बेटा दिलदार रानी रतन कौर ने आवाज मारी रे बेटा यू कौन से तेरे सिती मां मेरा भाई मेरा दोस्त बेटा मुसलमान का लड़का दिलदार बोले रे बेटा इसका घोड़ा रोकिए मैंने जवाब कर लेंगे बादशाह वह दिलदार खान जैमल अगवाणी नौ कोठी मारवाड़ की बोली दनियाणी आइये रे दिलदार तेरी रह जवानी मेरे जैमल तमुख ना मोड़िए तेरी जग चले कहानी बोल रहे दिन चले जा समो आउनी जानी तेरे बाबल बूरे खान ने गल सोची यानी बेटा बबीड़े खा लिए डूबिया बिन पानी उसने सोचना चाहिए था इसे मेरा जैमल और इसे मेरा दिलदार लड़का दिलदार बोल रही माता कुछ और कहना सो कह ले
मैं एक अरब के बीच में बात मुका दू। बस बेटा मेरे बेटे की इतनी ताकत न थी कि अकबर की 12,000 फौज बंदूक तोपा दौरानी मेरे मेड़ते के ऊपर पड़ाव घेर दिए। मेरी इतनी ताकत मेरी इतनी हस्ती कोनी बेटा, मैं तो जंगल बियाबान के बीच में इस घटना बसा के बैठी। मेरे देवर मालदे ने मेरे तक किते भी सांस न लेने दिया। सुन के कहा कि बेटा एक दरिया के एक समंदर की पाड़ के ऊपर एक सांप रहा करदा, वो सांप वो बिशियर कैसा अगर पहाड़ पर डक मार दे तो पहाड़ का जहर बन जाए, अगर दरखत में डक मार दे तो खड़े दरखत में आग लग जाए। एक दिन दरिया चढ़ गया, आग किनारों तबार हो गया और उसकी बम्बी में पानी बढ़ गया, पानी के बीच में हिर गया सांप और उसके सिर के ऊपर मेंढक आकर बैठ गया। एक और बैठ गया मिंडक, सांप खाया करदा, 10-12 मिंडक उसके शीश के ऊपर बैठ गए तो वो बिशर के कहे के भूम छुट्टी पीतत गई हेरा सहेरा बोली कबो अज सारंग सुत के शीश पैं तो दादर करें कलोल। सांप ने क्या करे, एक लुकमा मैं थारा करे करता लेकिन आज मेरे सिर चढ़ के बोल रही, आज पैरी मेरे सिर चढ़ के बोल रहे बेटा के करूं। बोला रही मां क्यों घबराई, 1200 जवान मेरे साथ न लड़के जैमल के ऊपर कुर्बानी देने के वास्ते आया, महल में बैठी रहो और बाप पर बेटे का तमाशा देख। हा सरदारो, एक रात मेहमान बना के लड़का दिलदार शाही मेहमान खाने में ठहराया, दोनों बाप बेटों के लश्कर मेड़ते के ऊपर इकट्ठे हो गए। सरदारो रात का वक्त हो गया, रात के 10 बजे रात के 12 बजे आधी रात का अमल होया, तमाम लश्कर सुत्या पड़ा लेकिन तंबू में 5 बंदे जागर, कौन? काले खां, करीम खां, रमजान का कंकर खां और भूरे खां। मेड़ता का नक्शा खिंचा, बत्ती लाइट जलन लग रही और पठाना ने देखा नजर ठाक है कि चारों जनरल बैठे लेकिन रण का बेटा नजर नहीं आया। कौन के लड़का दिलदार, आंखों तक पानी भरकाया और कागज के ऊपर आकर टप दसी करके पड़ा। कंकर खां बोले अब्बा जान क्यों रोया? अरे बेटा मैं उस घड़ी ने उस टाइम ने रोया, 70 खान 72 उम्र दरबार अकबर के अंदर बैठे हुए थे, किसी ने मैं रोक क्या नहीं, आज मेरा और मेरे बेटे का कुहाड़ा बजेगा, राजपूत का के बिगड़ गया बैठा तमाशा देखे, खून तक खून लड़ गया। तो लड़के कंकर खान ने कहा कि अब्बा जान क्यों रो गए? क्या करनी करे तो क्यों डरे, क्यों करके बचता तन पेड़ बोए भमूल के मिया आंब कहां से खा। अब करनी के माल तेरे आगे आवेंगे। भूरे ने बेटा याद आ गया, तंबू की रेशम डोर पकड़ के दहाड़ देकर रोया, एक चार कली का जवाब आगे बनावा है तो भाई कैसे करका कोशिश शान साथ। ओहो आग रहा मैं तो
उस दिन सुन करे कंकरे खान ना रे झुकी की आरे लाठी कारा खां तंबू के अंदर रोया पिट ने याद करके कित दिल्ली कित आगरा किस्मत ने पटकार मैं बीड़े खाए दरबार मैं किसे ना अटक्या सुनकर कंकर खान ने जो कर या लटका कंकर खान ने देखा जो बुढ़ा ना रुकया ना इसकी दीन बधाई तो लड़ाई तो पहले मरे हो सरदारो सुनकर कंकर खान ने जो करिया लटका तड़के न तोड़ू मेड़ता गड़ी लाऊ न फटका फिरू दला मैं कूददा जसा पिट्टा नटका जिंदा जैमल पकड़ के गड़गा लूं पटका शेरा अग बकरी क्या उठे जब हम शेर जैमल बकरी है बजा कल को देखिए जैमल के किले की ईंट पे ईंट बजी हुई क्यों घबराया ओ सरदारो इतने सुनकर बुरे की कुछ दलेरी बंधी कंकर खान ने जिस कहा बेटा ये कौन सा टाइम है कि रात आधी डली है टाइम बड़ा अच्छा है पान से बागिए पान से जवान ले जा और जा जैमल के मेटते का जायजा ले ली सरदारों पान से बागिए लेकर लड़का कंकर खान हाथ में लेकर तलवार मेटते की तरफ ना आवे हाँ सरदारो देखे जैमल के पहरेदारों ने एक चार कली के जो हम किस तरह जाके इतला देना है तो भाई कैसे करके कौन सी शान साज
महाराज के पास पहुंची। जयमल कुंवर महाराज के चले हाथ, रात का समय था। रात के समय में जिस वक्त लश्कर अंदर देख क्या पहरेदार जयमल महाराज के खड़े किले के शाही दरवाजे के ऊपर, पहरेदारों ने देखा कि लश्कर बूरे पठान का सरदारों रंग महल के अंदर पहुंचे। उस वक्त तमाम राजपूत निवास पड़ा सो रहा था, लेकिन एक रानी जागरी, कौन के आधे चतर साल की बेटी रानी सिस्कदनी, हाथ में तुलसी की माला, माथे के ऊपर तिलक और बाल खुले, चुमक्खा दीवा जला रखा। सरदार जिसको ताजुद का वक्त कह दे, ताजुद के टाइम रानी सिस्कदनी कह रही कि मेरे पास परवरदिगार, जिस दिन तो मैं जैमल के गढ़ लाग गई, मैंने कितने भी ठंडा पानी ना पिया, जंकी होनी ने मेरे गांव के ऊपर टाल दी, इतनी दुआ मांगी, इतने मैंने पहरेदारों ने जाके पहरे जैमल कंवर के आए रानी पास, रानी के बैठी सुख मौज में आई हुई, आज फौजा बुरे खान की दरवाजों पास, सुनकर रानी चलती जैमल के पास। महाराज रानी सुषमनी जैमल महाराज के पास पहुंची, सुत्ता पड़ा तक जगाया, ठाकर जी जैमल जागा, क्या बात है रानी? के महाराज उठ के कुछ इंतजाम कर ले, लश्कर पठान का आ गया। जैमल महाराज ने कहा कि रानी मेरे दो रानी की क्या जरूरत थी, जाओ चतुर्साली के बीच में पड़ा सुरा कौन के गढ़बूंदी का हाड़ा हरी सिंह, रानी सिसवदनी के तेज में, रानी सिसवदनी के दान के बीच में पान से जवान और हाड़ा हरी सिंह सरदार दिया था कितने गढ़बूंदी के राजपूत, जाओ इतना बुढ़ा जीवन मैंने सुन दे। 70 साल की उम्र में अडारी सिंह सरदारो मैल चतुर्साली के बीच में पड़ा सो रहा, 18 फीम के डब्बे खाट की बाई के नीचे धरे और 17 सर की सांग कांध कर लगी दरी, जयपुरी कल्याण आडे का दरिया और सो रहा पड़ा 12 साल की उम्र में कौन, हाडे हरी सिंह का बेटा लड़का अनूप सिंह, दोनों बा बेटा सोरे। देखा रानी सुषमनी ने कि बुढ़ा बहुत गफलत में सो रहा, डरती डरती ने तुशाला खींचा, बाबा लरी सिंह, हरी सिंह जग गया, कौन? बत्ती लाइट ऊपर न कर देख के तो बिट्टी सुषमनी दसर तसर को तो पानी पटक पड़न लग रहा, हे मेरी लाडो मेरी बेटी ते क्यों रोई? तो सुषमनी ने कहा कि बाबल लकड़ी जली कोला भो जी कोला जली बरा
ਵਾਲੀ ਮਿੱਤ ਕੋਲ ਰਹੋ ਨਾ ਖਾਬ। ਓ ਸਰਦਾਰੋ ਬੁੱਢਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹਾ ਮਨ ਬਤਾ। ਆਹ ਸਰਦਾਰੋ ਆ ਜਿਸ ਦਾ
ਲੈ ਮੈਂ ਪੜੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਜਲ ਨਾ ਝੇਲੀ ਇਹ ਲਾਡੋ ਮੇਰੀ ਖੜੀ ਲੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿਏ ਜੀ ਸੰਗਲੀਆ ਲੈ ਸਹੇਲੀ ਨਰ ਲੜਕਾਰ ਫਾਲੀਆ ਹੈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਤ ਆਲ ਬੇਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੇਟੀ ਕਿ ਬਾਬਲ ਤੇਰੀ ਜੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਜ ਮੇਰਾ ਕਿਲਾ ਮੇੜ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਬੇਟੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੇੜ ਤੇ ਕਾਨੀ ਕੋਈ ਆਂਗਲੀ ਬਿਠਾ ਦੇ ਤੋ ਵਾਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਣੀ ਲੋ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੋਲ ਬਣਾਏ ਹੈ ਅਲਿਫ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਤੁਈ ਰਬ ਸਭ ਕਾ ਬੇਲੀ ਸਿਸਵਦਨੀ ਰਾਣੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਚੜੀ ਅਬੇਲੀ ਪਕੜ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਝਟਕਦੀ ਜਦ ਮੁਕਤ ਬੋਲੀ ਬਾਬਲ ਕੇ ਸੋਇਆ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਮੈਂ ਸਿਰੋਂ ਹੋਣੀ ਖੇਲੀ ਇਤਨੀ ਸੁਣਬੜ ਚਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਟੁੱਟੇ ਚੋਲੀ ਸਤਰਾ ਸਰ ਕੀ ਸਾਂਗ ਤੀਦਰ ਹੱਥੇ ਤੋਲੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਬੇਟੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਲ ਨਾ ਜੇ ਸਤਰਾ ਸਰ ਕੀ ਸਾਂਗ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾ ਹਾਥ ਕੇ ਬੀਚ ਮੈਂ ਟੋਲੀ ਔਰ ਹੰਗਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਗਣ ਗੁੰਦੀ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਗਲ ਜਾਂ ਪਠਾਨ ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਕੱਢ ਬੂੰਦੀ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕੀ ਤਲਵਾਰ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੂ ਬੂਰੇ ਖਾਨਾ ਕੈਸਾ ਮਰਦ ਹਠੇਲੀ ਖੜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਸੰਗਲੀਆਂ ਸੁਵੇਲੀ ਬੱਜੀ ਨਾ ਲੜਕਾ ਠਾਇਆ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਤ ਹਲ ਗਈ 12 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮਾਂ ਡੇਰੇ ਸਿੰਘ ਕਾ ਬੇਟਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਬਰਬਰ ਬੜਾ ਸੋਹਰਿਆ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਜਵੇਕ ਕਰੈਨਾ ਸਟੋਰ ਅੱਟਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਕੇ ਪਾਸ ہریانی زبان کے سانگ فلمی گانے پڑھائی کا مرکز ہریانی زبان کے سانگ اور فلمی گانے ریکارڈ کرنے کے لیے تشریف لائیں اچھی اور صاف بھرائی کا مرکز رانا محمد اینڈ راجپوت بارک کے بیچ میں پڑے سورے تھے جہاں 500 جوان جو رانی سسپدنی کے دام دیج کے بیچ میں آئے تھے ان کا سردار تھا ہڈ ہری سنگھ اور جیمل کے باغی ललकार राजपूतों में कमारी रे बैठे हो जो सूरमे हो हाडे की ललकार सुनते ही राजपूत तलवार बंद है और एक चार कली के जवाब में के लड़ाई का आगाज ओवर किस तरह का शुरू करे हलवाई और कैसे करकाए कौन सी शान साग ਮਾਰੇ ਮੋਹਨ